तो देखिए, अयोध्या धाम में इकबाल साहब चलकर एक एकता का संदेश लेकर आए हैं जो युगों युगों तक याद रहेगा। इकबाल साहब कहाँ से आए हैं आप? हसनैन नाम है मेरा, फरुखाबाद जिले से। एक जगह है कपिल मुनि का आश्रम। निमंत्रण मिला आपको कि आप अपने मन से आए? उनका निमंत्रण मिला। अच्छा गलत यात्रा गई थी हमारे यहाँ। अच्छा, हमारे यहाँ गलत यात्रा गई थी। जैसे ही पहुंची तो अच्छी यात्रा के समय मैं वहाँ से चल गया। भगवान श्री राम ने आपको बुलाया? हाँ बिल्कुल, निमंत्रण। अच्छा, हम अभी सुन रहे थे, चौपाई भी सुना रहे थे आप। चौपाई सबको पढ़ाई जाए, सब सुने, सब सुने। एक अगर आपके मुख से हम सुन ले प्रभु श्री राम के लिए। सब सब प्रभु श्री राम के लिए तो पूरी राम राम करते रहे। तभी तो एक दर्शकों को सुना ले। लगता है राम मंदिर बनना चाहिए था, बताइए ना। आपकी मुस्कुराहट सब कुछ कह रही है। बनना चाहिए था, नहीं बन रहा है, बन चुका है। आपको खुशी है? सबको खुशी है। हर सनातनी जो सत्य पे रहे उन सबको खुशी है। जो सत्य को मानना ही नहीं चाहते वो खुश। वो जो लोग नाराज हैं कुछ सवाल उठाते हैं। सबको खुश नहीं किया जा सकता, सबको खुश नहीं। आप खुश हैं? हम जैसे सब सब सनातन सब खुश सनातनी सब कुछ है सनातनी। अच्छा, आप जब पैदल चले आपको तो काफी लोग मिले होंगे। आप तो हनुमान गढ़ी के सामने खड़े हैं। हाँ मिले। अच्छा, हिंदू भी मिले होंगे? हिंदू मिले, मिले होंगे तो उन्होंने देखा कि जा रहा है। अच्छा, सनातनी हिंदू मिले, झुक के प्रणाम किया, भैया बहुत अच्छी जगह आ रहे हो। और हम देख रहे हैं आपने ये सनातनी रंग भी पहना है, ये सुरक्षा पहनी है, सुरक्षा की जरूरत से ये बहुत लोग पहने। यहाँ होना चाहिए। अच्छा, उस प्रेम भाव में अगर एक भजन एक चौपाई आप सुना दे बस। रामराज की। हाँ, रामराज की सुनाइए। हो सब नर करही परस पर प्रीति, चलाही सुधर्म निरत श्रोत नीति। राम सिया राम सिया राम जय जय। अच्छा, तो भाईचारे की एक नई मिसाल जो है आप पेश करेंगे एक भाईचारे। कुछ पेश करने की जरूरत नहीं, अब रामराज आ गया, आप सब ठीक हो जाए। देखिए, रामराज आ गया इकबाल साहब कह रहे हैं, और जो राम मंदिर बनकर तैयार है उन्हें खुशी है कि प्रभु श्री राम ने उन्हें बुलाया है और वो पैदल चलकर प्रभु श्री राम की सेवा में आ गए हैं।